So your first chapter of periodic second, that is chapter 10, is regarding the respiration in organisms. So let's start now. One day Buju was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. He was in a hurry, so he ran fast to the bus stop. What they're saying, what they're trying to tell you, that one day Buju jo tha, he wanted to meet his grandparents who were coming from some other place. And he was late, so he ran to the bus stop. After some time, what he saw, that uski jo breathing thi, it got increased so much. So his grandmother asked her, what happened, Buju? So he said, because I was running, that is why my breathing has increased. My breathing rate has increased. I'm breathing heavily. So what is the reason behind this? Kyun bhagne ke baad jo hai, aapki breathing itni zyada fast ho jati hai. तो ये समझने के लिए यू हैव टू लर्न अबाउट रेस्पिरेशन. नाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट रेस्पिरेशन, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी रेस्पायर इन द फर्स्ट प्लेस. इन चैप्टर टू यू हैव लर्न दैट ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स एंड अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, आपने ये पढ़ा है कि भाई आपकी जो बॉडी है इट इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स एंड सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. स्ट्रक्चरल क्योंकि आपके वो स्ट्रक्चर को बना रहा है, फंक्शनल क्योंकि उसके अंदर बॉडी की सारी फंक्शनिंग होती है. नाउ ईच सेल परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो कोई भी चीज़ जो इतने सारे फंक्शंस कर रही है उसको एनर्जी भी चाहिए. तो सेल को एनर्जी कैसे मिलती है? सेल को एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन से. जो हम खाना खाते हैं वो खाना जाके स्टोर हो जाता है सेल्स में, और सेल्स को जब एनर्जी चाहिए होती है वो उसको ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज़ कर लेता है, फिर अपने वो काम करता है. राइट, सो इस एनर्जी के लिए वी नीड आवर बॉडी अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज रेस्पिरेशन? ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर, ये तो सबको पता है. यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन. वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जब ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग में सिंपली क्या करना है आपको, ऑक्सीजन को अंदर लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना है. दिस इज ब्रीदिंग. द एयर वी ब्रीद इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल. तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है सब जगह, सारे जितनी भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं, जितनी भी जो जो चीज़ें हैं सब में जाती है, और अल्टीमेटली छोटे से छोटे सेल तक वो ऑक्सीजन पहुँचती है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, सॉरी द ऑक्सीजन हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. क्यों पहुंचानी है ऑक्सीजन? क्योंकि ऑक्सीजन ही है जो आपके फूड को ब्रेक डाउन करेगी. अभी बताया था ना, सेल में जाके क्या हो जाता है, फूड स्टोर हो जाता है, और सेल को क्या करना है, फूड को ब्रेक डाउन करना है ताकि एनर्जी रिलीज हो. वो ब्रेक डाउन कैसे होगा? व्हेन ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड टू द सेल. तो ये सारा काम जो है ऑक्सीजन सप्लाई करवाना सेल को, वो कौन करता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू होता है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. मतलब जब सेल के अंदर यही प्रोसेस होता है आपका ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनसाइड द सेल, दिस प्रोसेस नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन. नाउ वी हैव टू मोर टर्म्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, द इक्वेशन इज गिवन. ग्लूकोज और द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन मिलती रहती है तो ग्लूकोज आपका किस में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपकी लंग्स फिर बाहर फेंक देती हैं, वाटर रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी. देन वॉट हैपन्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन इंटू एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. ठीक है, कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं एनारोब्स. क्यों बोलते हैं उनको एनारोब्स? क्योंकि जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की वहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है नहीं होती है, प्रोवाइडेड नहीं होती है. सो व्हाट दे डू, उनको तो बिना ऑक्सीजन की सांस लेनी पड़ेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज एनारोब्स. अब क्या हमारी बॉडी में भी होता है? यस, हमारी बॉडी में भी क्या होता है, मसल सेल्स जो होते हैं दे रेस्पायर एनारोबिकली. कभी कभी हमारे मसल सेल्स को एनारोबिकली रेस्पायर करना पड़ता है. कब? जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा साइकिलिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्विमिंग कर लेते हैं. व्हाट हैपन्स, हमारे बॉडी में जितनी एनर्जी है वो सब यूज्ड अप हो गई. ठीक है, अब हमें और एनर्जी चाहिए. तो और एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए.
है ना, और ऑक्सीजन इतनी मिल नहीं रही है, आप जो है ज़्यादा तेज 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 आप सांसें लोगे लेकिन फिर भी आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी जल्दी पूरी नहीं हो पाएगी। तो उस टाइम पे क्या होता है, मसल के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। और जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है देन लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इज फॉर्म। वहाँ पे ना कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना वाटर बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है। लैक्टिक एसिड जो है एक तरीके से समझ लो बीच वाली स्टेज है, पूरा आपका पार्शियल ब्रेकडाउन नहीं हो पाया, आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ ग्लूकोज का, सिर्फ पार्शियल ब्रेकडाउन हो पाया है और लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब पार्शियल ब्रेकडाउन होगा तो दोबारा से CO2 और वाटर एंड एनर्जी। अब वो पार्शियल ब्रेकडाउन के बाद वो कंप्लीट ब्रेकडाउन कैसे होगा, जब आपकी बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, आप जो है ज़ोर ज़ोर से सांस लेके पूरी अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर लोगे, देन व्हाट विल हैपन, योर बॉडी विल अगेन ब्रेक डाउन दिस लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, नाउ वी कम टू ब्रीदिंग। व्हाट वी आर सेइंग, हाउ डज ब्रीदिंग टेक्स प्लेस? ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ब्रीदिंग में दो आपके मैकेनिज्म होते हैं, इनहेलेशन जब आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो एंड एक्सहेलेशन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हमेशा चलता रहता है, कभी नहीं रुकता अंटिल द पर्सन डाइज। नाउ व्हाट इज ब्रीदिंग रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद्स इन अ मिनट। एक मिनट में कोई इंसान कितनी बार सांस लेता है, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग रेट। और एक ब्रेथ क्या होती है, एक्सहेलेशन प्लस इनहेलेशन, दोनों चीज़ें अंदर सांस लेना बाहर छोड़ना, तब एक ब्रेथ मानी जाती है। ओके, नाउ वी कम टू दिस एक्टिविटी। इन दिस दे हैव शोन यू यू हैव टू टेक इन एयर एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट योर ब्रीदिंग रेट। सो व्हाट दे आर टेलिंग इन द ब्लू ब्लॉक्स, ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग टेक्स 15-18 टाइम्स, ही ब्रीथ्स 15-18 टाइम्स इन अ मिनट। ठीक है, अडल्ट, बच्चों का थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है। देन ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज क्या हो जाता है, 25 टाइम्स पर मिनट। ओके, नाउ इन एक्टिविटी 10.3 दे हैव शोन यू सर्टेन कंडीशंस, वो बता रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा आपका ब्रीदिंग किस टाइम पे होगा। ऑफ कोर्स द गर्ल हु इज़ प्लेइंग, उसकी सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग रेट होगा। देन द पर्सन हु इज़ वर्किंग, हु इज़ क्लाइंबिंग द लेडर, वो सेकेंड नंबर पर होगा। थर्ड नंबर पर द लेडी हु इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स, फोर्थ नंबर पर द पर्सन हु इज़ वॉकिंग, फिफ्थ नंबर पे द पर्सन हु इज़ स्टडिंग एंड इन द लास्ट द पर्सन हु इज़ एट रेस्ट और हु इज़ स्लीपिंग। नाउ हाउ डू वी ब्रीथ, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन, हाउ डू वी ब्रीथ, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है ना, सो वी विल स्टडी द होल प्रोसेस हेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम अवर नॉस्ट्रल्स। वी टेक इन एयर थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स, ये जो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं यहाँ से हम एयर को इनहेल करते हैं। देन दे पासिस इन टू द नेजल कैविटी, ये जो अंदर दो हैं अंदर की तरफ, that is known as the nasal cavity. Then from nasal cavity it goes to the windpipe, from windpipe it goes to the lungs. जो lungs वाला पूरा region है rib cage के साथ, उसको क्या बोलते हैं, chest cavity. उस पूरी chest cavity के नीचे there is a muscular sheet which is known as diaphragm. अब क्या होता है भाई, mechanism क्या होता है, the mechanism is shown here, look at the diagram. What happens when you are taking in air from the nasal passage, यहाँ से air आपके अंदर गई, it moves to the trachea or the windpipe. Trachea जो है windpipe का दूसरा नाम है. From the trachea it moves to the lungs. ठीक है, it moves to the lungs. What happens? Lungs जो है यानी जो आपकी chest cavity, it expands. क्योंकि हवा अंदर जानी है तो क्या करना है, chest cavity को expand करना है और आपके lungs जो होते हैं वो एकदम fill हो जाते हैं air से. और क्या होता है, सेम चीज़ जब आपको क्या करना होता है, ब्रीद आउट करना होता है, तो आपके लंग्स को क्या होना है, कंप्रेस होना है और आपकी एयर जो है वापस निकल जाती है. ओके, नाउ दे हैव शोन यू एक्टिविटी 10.4 एंड 10.5, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, किस तरीके से आपकी ब्रीदिंग होती है ह्यूमन बीइंग्स में.